हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है अरविंद और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गाइस मैथमेटिक्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस कि टाइम एंड वर्क आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में, मतलब सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज्ड करता है एक साल में, चाहे वो सीपीओ का हो, एसआई का हो, या फिर आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जूनियर इंजीनियर का हो, या फिर आपका बच गया स्टोनोग्राफर, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपका पूछा जाता है। ठीक है गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में आप प्री में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम्स में ऐसी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में आते हैं उसके ऊपर, मतलब इस टाइप का इसका एक क्वेश्चन आपको 100% आपको सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को, इस टाइम एंड वर्क चैप्टर को हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको ले चलेंगे मेंस लेवल तक। मतलब अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो प्री से लेकर मेंस तक के इसमें सभी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज हम। इसमें आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, कैसे हम टाइम और एफिशिएंसी को अलग अलग सेपरेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज आपका सबसे पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करते रहें। तो गाइस टाइम एंड वर्क, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में गाइस अगर हम ये कहें कि लेट कर लेते हैं, लेट वन मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। वन मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, मतलब एक आदमी किसी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है, हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने आदमी कम लगाए हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम इसको एक दिन में करवाना चाहते हैं गाइस, मतलब एक आदमी 30 दिन में करता है, इसी तरह गाइस एक आदमी 30 दिन में करता है, तो अगर हम ये कहें कि 30 आदमी अगर उस काम को करते हैं, अगर उसे इस काम को एक दिन में करवाना हो तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे गाइस, एक दिन में। अगर हम इस काम को 30 आदमियों से करवाएं तो वो काम आपका समाप्त हो जाएगा एक दिन में। ठीक है गाइज, तो हम ये कह सकते हैं गाइज कि अगर लेस मैन हो, मतलब आदमियों की संख्या कम हो, तो आपका टाइम क्या लगेगा, मोर, मतलब टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, मतलब आपको टाइम कितना चाहिए, मोर टाइम। ठीक है, अगर इसका उल्टा गाइज, अगर आपको ये बोल देता है कि आपके पास मैन ज़्यादा मात्रा में है, मोर मैन, तो ये आपको क्या करेगा, लेस टाइम। गाइज अगर एक आदमी, सिर्फ अकेला आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, अगर उसकी जगह पर हम 30 आदमी, या फिर आदमी को बढ़ा दीजिए कितना भी चाहे, 10, 15, 20, 25, वो अपने अकॉर्डिंग जितनी उनकी एफिशिएंसी होगी उस बेस पे क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। तो इसमें गाइस सिर्फ इतना समझाना है कि अगर एक आदमी आपका काम 30 दिन में करता है, वहीं अगर 30 आदमी लगा दे तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो सकता है, एक दिन में। मतलब हम ये कहना चाहते हैं गाइस कि अगर कम आदमी हो तो ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा आदमी हो तो कम टाइम, ये हमेशा उल्टा होता है गाइस। अगर आदमी कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और आदमी ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या है गाइस, आपका टाइम एंड वर्क का इंट्रोडक्शन है, और इसी को हम देखते हैं आगे इसमें क्या डिफाइन करना है। आप लोगों ने गाइस इसमें टाइम एंड वर्क तो पढ़ा ही है, तो इसमें टाइम आप लोग जानते हैं कि एक आदमी के द्वारा किया गया काम आपका क्या कहलाता है, टाइम। अगर एक आदमी का इस काम को करता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में काम करता है, मतलब कितने जितने दिन में समाप्त करता है वो उसका क्या है, टाइम। जैसे एक आदमी ने अभी किया कि काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में, या करता है या कर दिया है टाइम। ठीक है गाइस, 30 दिन में समाप्त करता है, मतलब 30 दिन, दिन क्या हो गया गाइस, टाइम, मतलब उसने कितना टाइम लिया, 30 डेज। ठीक है गाइस, इसी तरह गाइस एक वर्ड आता है एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या होता है गाइज? एफिशिएंसी बहुत ही मतलब ये जो चैप्टर है हम आपका पूरा पूरा का पूरा चैप्टर इसी बेस्ड पर करवाएंगे, चाहे आपका वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड दो तीन पार्ट में जैसे वर्क एंड वेजेस भी हो गया, वो इसी पर बेस्ड है गाइज, एफिशिएंसी पर ही पूरा क्वेश्चन, एफिशिएंसी के बेस्ड पर ही हम वेजेस को दो लोगों में, तीन लोगों में, चार लोगों में बांटते हैं, आपके टाइम के हिसाब से नहीं बांटते गाइज, हमेशा एफिशिएंसी के मतलब, एफिशिएंसी का मतलब होता है गाइज कार्य करने की क्षमता, हिंदी में बोला जाता है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब होता है गाइस कार्य क्षमता। अगर हम ये कहें वर्क डन बाय अ मैन, वर्क डन बाय अ मैन इन अ यूनिट टाइम, वर्क डन बाय अ मैन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब एक आदमी द्वारा किसी एक यूनिट टाइम में किया गया काम उसका क्या होता है गाइस, आपका एफिशिएंसी होता है। कैसे? अगर गाइस हम ये कहें कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, मतलब गाइस हमें ऐसी वैल्यू निकालना है, वो तो काम को 15 दिन में समाप्त करेगा ना, लेकिन अगर हम ये बोलें कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में गाइस वो हो गया क्या यूनिट, मतलब 15 दिन में तो टोटल काम, टोटल टाइम उसका कितना हो गया 15 दिन, लेकिन एक दिन यूनिट टाइम गाइस यूनिट डे में, मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा पर डे, उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है, लेकिन एक दिन में वो कितना काम करेगा वो आपका क्या होता है एफिशिएंसी। ठीक है गाइस, और इसी को हिंदी में बोलते हैं आपका कार्य की क्षमता, मतलब अगर एक ही बोला जाए जैसे एक ही कार्य क्षमता निकालनी हो तो एक ही एफिशिएंसी, या फिर एक ही कार्य क्षमता मतलब अगर बोल दे आपको तो वो एक दिन की कार्य करने की क्षमता, मतलब बोल दे कि आपको ए जो है 3 यूनिट्स पर डे बना सकता है, तो अगर आपको 15 यूनिट टोटल काम करना हो तो कितने दिन में साथ होगा गाइस 15 दिन, मतलब 3 यूनिट पर डे वो करेगा तो 5 दिन में 15 यूनिट वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके एफिशिएंसी के बारे में, और ये हो गई आप लोगों की एफिशिएंसी की डेफिनेशन, एफिशिएंसी आपका कैसे स्ट्रांग मतलब इसमें आपके क्वेश्चन को करने में कैसे हेल्पफुल होता है वो आपको यहाँ समझाते हैं। ठीक है, ये आपकी गाइस डेफिनेशन आप लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, तो गाइस अगर मान लेते हैं जैसे पहला एग्जांपल हमने किया था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट या ए कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, ए कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, 25 दिन में समाप्त करता है, तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे, मतलब हमें मतलब कि इसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे, हम बताएंगे कि इसकी एफिशिएंसी ये है अगर टोटल वर्क ये है तो हम इसको प्रूव करेंगे कि हाँ ये 25 दिन में करता है। ठीक है, कैसे? मान लेते हैं हमें काम नहीं पता है गाइस, इसमें बोला हुआ है काम क्या है, कोई भी काम, एक काम है, एक काम को हम अगर हम काम माने तो हम मान लेते हैं वन क्या है आपका वर्क है, लेकिन हम मान लेते हैं इसमें आपका क्या है एक्स, लेट द टोटल वर्क इज इक्वल्स टू कितना गाइस एक्स यूनिट, हम मान लेते हैं गाइस आपको एक्स यूनिट काम करना है, या फिर वन यूनिट भी ले सकते थे, हम एक्स यूनिट ले लेते हैं गाइस। ठीक है, वन यूनिट लेकर भी काम किया जा सकता है, आपस में बाद में कट जाएंगे। अगर मैं ये कहता हूँ गाइस आपका टोटल वर्क कितना है एक्स यूनिट, तो गाइज एक्स यूनिट को करने में अगर ये 25 डेज लगाता है, कितना गाइज एक्स यूनिट को करने में कितना डेज लगाता है 25 डेज, तो पर डे कितना काम करेगा वो, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी गाइज इसकी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है गाइज, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क अपॉन में, टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम लिया गया, टाइम
टाइम टेकन बाय ए, मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब जो ए ने टाइम लिया वो लेना है आपको गाइस, ठीक है। टोटल टाइम ये होता है गाइज आपका एफिशिएंसी। तो गाइज एफिशिएंसी में अगर टोटल वर्क हमें कितना है एक्स, अगर आपने वन यूनिट माना है तो गाइज हम वन यूनिट रखेंगे, तो आपको एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन में 25 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब है अगर वो एक्स यूनिट पर डे काम करता है, एक्स बाय 25 यूनिट, तो उसका काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 25 दिन में। कब कब, जब उसका काम एक्स यूनिट होगा। हम मान लेते हैं गाइस उसने एक टोटल काम क्या है उसका एक्स यूनिट, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, अगर आपने वन माना होगा तो गाइस आपका टोटल वर्क हो जाएगा वन अपॉन में 25, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में या आपके छठी सातवीं के क्वेश्चन गाइस, आठवीं का सॉरी, सातवीं आठवीं में ही आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो आप लोगों ने इसमें इस मेथड से किया होगा। हालांकि गाइस हमें इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, लेकिन बेसिक अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक तो एफिशिएंसी अगर हमें पता चल जाए और एक दूसरा टोटल वर्क पता चल जाए, तो कोई पर्सन कितने दिन में उस काम को समाप्त कर सकता है ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि हमारा आंसर 25 डेज ही आना चाहिए अगर उसकी एफिशिएंसी इतनी हो, टोटल वर्क इतना हो। तो प्रूफ करते हैं गाइस, इधर प्रूफ कि एक्स ओ सॉरी ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 25 डेज। तो गाइस कोई भी आदमी किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है उसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, ये वो होता है गाइस, जैसे मान लीजिए टोटल एफिशिएंसी का मैंने बताया कार्य करने की क्षमता, अगर टोटल वर्क आपने जैसे 10 यूनिट है, अगर वो 2 यूनिट, उसकी एफिशिएंसी करने की क्षमता कितनी गाइस, 2 यूनिट पर डे करता है वो पर डे कितना करता है, मान लीजिए इसमें तो एक्स बाय 25 फ्रैक्शन में है, मान लेते हैं 2 यूनिट वो पर डे करता है, तो टोटल वर्क कितना है 10 यूनिट्स है, उसे 10 यूनिट्स पर आना है, तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट्स पर डे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब वो उस काम को 5 दिन में समाप्त करेगा। तो गाइज यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल वर्क कितना है आपका एक्स यूनिट, और टोटल एफिशिएंसी ए की, यहां ए अकेला काम कर रहा है गाइज। इसी तरह अगर बी, जैसे कई क्वेश्चन से पूछा जाता है आपके कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो गाइज इसमें ए की एफिशिएंसी हमने निकाला है, इसी तरह से हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे और दोनों की एफिशिएंसी मतलब टोटल एफिशिएंसी में ऐड कर देंगे, तो हम टोटल एफिशिएंसी को उसके वर्क टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें गाइज दिया हुआ कितना एक्स अपॉन में 25, ठीक है। ऐसे जब भी आपको फ्रैक्शन दिया था तो नीचे वाले टर्म ऊपर चली जाती है और वो से मल्टीप्लाई हो जाती है गाइज, तो एक्स इंटू 25 अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कट गया गाइज और आंसर आ गया कितना 25 डेज, ठीक है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था कि मतलब कैसे एक आदमी किसी काम को किसी दिन में समाप्त करता है, तो उसकी एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, उसकी एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है गाइज टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम, जितना मतलब टोटल काम कितना है और उस काम को करने में वो पर्टिकुलर पर्सन कितना टाइम लगाता है। जैसे ए ने उस काम को खत्म किया 25 दिन में, तो उसका काम कितना हो गया गाइस एक्स अपॉन में 25, मतलब उसकी एफिशिएंसी हो गई एक्स अपॉन में 25, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक से, और इसी के पैटर्न पर हम उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसमें कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गाइस क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड पे आ जाएगा, तो क्वेश्चन गाइस आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन स्क्रीन पे, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए अगर यदि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में गाइस 10 दिन में, वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। गाइस इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन दो ही मेथड आपको इस्तेमाल करने हैं, लास्ट के दो,
लास्ट के दो कब गाइस, एक तो आपको कई क्वेश्चंस में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है, लेकिन सभी क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते गाइस, सभी क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक बन नहीं सकती है। आपको प्रैक्टिस कर करके आपको ये करना होगा कि हम कितने लाइनें मिस करके कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे हम कितने मतलब लाइनों को कहना चाहें गाइस, तो मतलब क्वेश्चन को छोटा अपने आप कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड मेथड ही हम लोग इसमें करेंगे। फर्स्ट मेथड मैं सिर्फ आपको जैसे बुक्स में आप लोगों को आठवीं नौवीं में एक्स मान के या वन मान के या हंड्रेड मान के टोटल वर्क को हंड्रेड मान लेते हैं, तो उस हिसाब से करेंगे। उसमें पहले एक बार समझा के, जैसे भी मैंने प्रीवियस में आपको एग्जांपल लेकर एक समझाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम टोटल थ्री मेथड से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा इस, और इसी के बेस पर हम लोग आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर वन आपका जो कह रहा है, इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, मतलब ए यदि ए किसी एक काम को कितने दिन में करता है गाइस, 10 दिन में, वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है। याद रखिए गाइस, काम सेम होना चाहिए दोनों के लिए, ए के लिए भी वही काम होना चाहिए, बी के लिए भी वही काम होना चाहिए, ठीक है। और काम अलग अलग हो तो दोनों की एफिशिएंसी भी उसी बेस पर अलग अलग हो जाती है, काम के बेस पर, तब तो हम काम को कुछ मान नहीं सकते, फिर काम हमें कुछ ना कुछ उसमें गिवन होगा। तो गाइज अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है या करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है गाइज। ए कैन फिनिश अ वर्क, ए किसी कार्य को समाप्त करने में 10 दिन लगाता है, वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, ठीक है गाइज। इन हाउ मेनी डेज द वर्क शुड बी कंप्लीटेड, मतलब कितने दिन में आपका काम समाप्त होगा इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों काम को मिलकर समाप्त करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को गाइस बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन कुछ भी दिया गया हो, सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर हमें नहीं पता हो तो हम एक्स मान सकते हैं या वन मान सकते हैं, ठीक है गाइस। तो टोटल काम को हम इस केस में क्या माने गाइस, वन मान, प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स माना था, इसमें मान लेते हैं वन। तो लेट द टोटल वर्क इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है गाइस। टोटल वर्क कितना हो गया गाइस, 1 यूनिट, हमने इसमें टोटल काम को मान लिया है कि आपका टोटल वर्क है कितना, 1 यूनिट। तो गाइस अब एफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब ये कह दें कि ए इज एफिशिएंसी, हमें दो चीजों की जरूरत होती है गाइस किसी भी काम को समाप्त करवाने के लिए, एक टोटल वर्क, दूसरा एफिशिएंसी। अगर एक लोग है तो अकेले की एफिशिएंसी, दो लोग हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके, अगर दोनों से हुए एक साथ काम करवाना है तो, ठीक है। तो एज एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया था कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम टेकन, मतलब हम ए की निकाल रहे हैं तो ए कितना टाइम ले रहा है, 10 days, तो कितना हो जाएगा इस 1/10 यूनिट पर डे, ठीक है गाइस, 1/10 यूनिट पर डे, ये हो गए किसकी, ए की एफिशिएंसी। मतलब ए किसी काम को अगर एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है तो पर डे कितना करेगा वो, 1/10 यूनिट पर डे, ठीक है गाइस। इसी तरह से गाइस बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, बीज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू बी, भी गाइस वही काम करेगा जो ए करेगा, मतलब अब इसको बी अकेला करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो गाइस कितना काम, टोटल वर्क कितना हो गया, 1 यूनिट, लेकिन वो कितने दिन में करता है, 15 डेज में। तो गाइस इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/15 यूनिट पर डे, ठीक है। बी उस काम को समाप्त करने में कितना टाइम लगता है, इतना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर, तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि वो दोनों काम को एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो गाइस देखो, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इसका यूनिट प्लस इसका, मान लेते हैं ये एक 1/10 यूनिट पर डे बनाता है और ये 1/15 यूनिट, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी ना, और काम कितना करेगा, वही 1 यूनिट, ठीक है। हम इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं गाइस, तो टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना जाएगा इस 1/10
प्लस 1/15, दोनों की एफिशिएंसी को क्या करेंगे गाइज, ऐड कर देंगे। ठीक है गाइज, अब इसको यहां पर ऐड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 1/10 प्लस 1/15, तो दोनों का एलसीएम आपको पता है गाइज, जब फ्रैक्शन में दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम होता है गाइज 30। 10 3 जा मतलब 3 टाइम्स आ रहा है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, इसी तरह 15 2 जा तो 2 1 जा 2 और आपका आ जाएगा कितना 5/30। ठीक है, अगर हम इसको काट देते हैं तो 1/6 यूनिट पर डे। अगर गाइज आप लोगों को कटता है तो हम यही इस फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/6 यूनिट पर डे, मतलब अगर दोनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं तो वो दोनों कितना बनाएंगे टोटल मिलकर, 1/6 यूनिट पर डे। दोनों को ऐड कर दिया गाइज, इन दोनों को, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई कि दोनों अगर मिल जाएंगे तो इतने यूनिट वो पर डे बनाएंगे। अब हमें निकालना है गाइज कि दोनों इस काम को समाप्त कितने दिन में, ये तो इनकी एफिशिएंसी है, ये पर डे बनाते हैं। अब हम निकालेंगे ये दोनों काम को समाप्त कितने दिन में करेंगे। तो गाइज ए एंड बी कंप्लीट्स द वर्क इन इक्वल्स टू फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, अब याद रखिए गाइस टोटल वर्क में हम 1+1 नहीं करेंगे क्योंकि काम एक ही करवाना है। पहले वो काम अकेला ए करता था तो 10 दिन में, बी करता था तो 15 दिन में, अलग अलग टाइम वो काम अपने अपने करने का मतलब बता रहे हैं इस काम को कितने दिन में इस काम को। जैसे आपने कोई काम करवाना है किसी मजदूर से गाइस, तो आपने एक आदमी को बुलाया, पूछा इस काम को कितने, इस मतलब वॉल को पेंट करवाना है जैसे मान लीजिए एक कमरे को, तो एक आपने लेबर बुलाया और पूछा कि इस पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसने बोला 10 दिन में लगा दूंगा। ठीक है गाइस, तो पर डे का हो जाता है उसका मतलब जो भी अमाउंट होगा वो 10 दिन में कार्य करके देगा, लेकिन आपको वो काम और जल्दी करवाना है। फिर आपने किसी और अच्छे लेबर को बुलाया और उसी से पूछा कि वो काम कितने दिन में करेगा, वो बोलेगा 5 दिन में कर दूंगा, तो आप सोचोगे कि ये काम अच्छा कर देगा और जल्दी भी कर देगा। तो दोनों की कार्य करने की एफिशिएंसी क्या है गाइस, अलग अलग है। ठीक है, जैसे कुछ लोग नए होते हैं तो भी काम स्लो करते हैं, तो इसी बेस पर है ये गाइस। तो टोटल वर्क कितना है गाइस, टोटल वर्क है हमारा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अपॉन में टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/6। तो गाइज 1/6 आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इस 1, ये 6 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 1, 1 से 1 बचेगा नहीं गाइज, तो आंसर हो जाएगा कितना 6 days। तो ये गाइज हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, बहुत इजी है। आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही डायरेक्ट निकाल लोगे, इससे डिवाइड करोगे, टोटल वर्क आ गया 1/10 ऐसे। ठीक है गाइस, अभी क्या किया हमने, माना है 1 या फिर x, लेकिन अब हम एक इसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और उसमें कोई एक ऐसा वर्क लेंगे जो हमें ऐसे फ्रैक्शन में इसके यूनिट्स ना बताए, मतलब ये कितना यूनिट पर डे करते हैं, एक ऐसा नंबर बताए ताकि हम आसानी से डिवाइड कर सकें और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। फ्रैक्शन में होने पे गाइज ये प्लस करने में, फिर इसको ऊपर नीचे करने, मान लो यहाँ तो 1/1 है, मान लो यहाँ कोई और वैल्यू होती 3/13, फिर इसको ऊपर करो नीचे करो, काटने में टाइम लगता है और ऐड करने में भी टाइम लगता है। ठीक है गाइज, तो इसी क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट मेथड से करेंगे, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वर्क लेंगे जो 1 यूनिट तो नहीं लेंगे गाइज। ठीक है, तो चलिए पहले उसको क्वेश्चन को रब करते हैं और इसी में इसको सॉल्व करते हैं। गाइज मेथड आप कोई भी अप्लाई करेंगे आंसर आपका सेम आना चाहिए, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा चाहे जिस मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस अब इसी क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन में हम एक एक्स नहीं मानेंगे,
आपके एक काम को क्या गाइस एक्स नहीं मानेंगे, हमें एक ऐसी वैल्यू काम कुछ भी ले सकते हैं गाइस, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं काम के लिए, कोई 1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, बट इससे डिवाइड करने के बाद वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वो जो फ्रैक्शन में आता है आपकी एफिशिएंसी वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे गाइस, हम टोटल वर्क लेंगे किसको, जो आपको ये नंबर्स दिए रहेंगे, ए बी दिया रहेगा या ए प्लस बी और ए का दिया रहेगा या ए बी सॉरी ए और बी का कंबाइंड दिया रहेगा और बी का, मतलब हमें लेना क्या है गाइस, ये नंबर और इस नंबर का क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है गाइस। तो एलसीएम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम होता है गाइस कितना, सॉरी पहले एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इक्वल्स टू कितना जाएगा गाइस, 30। टोटल वर्क हम उसको लेंगे जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, और ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जितने भी आपको दिए गए ए बी या सी भी दिया हुआ था इन तीनों नंबर का, और ए बी दिया है तो इन दोनों नंबर्स का, हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे गाइस, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो वही नंबर आएगा जो इन दोनों से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। देख रही है 30 यूनिट आ गया, मान लेते हैं आपका कितना आ गया 30, तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क कितना हो गया गाइस 30 यूनिट। तो टोटल वर्क हो गया आपका कितना 30। इस केस में गाइस हम एक वर्क को ऐसी संख्या मानते हैं जो आसानी से कट जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो एफिशिएंसी की वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन में आए और आसानी से प्लस माइनस करके हम आसानी से डिवाइड कर सकें, ठीक है। अब देखिए गाइस टोटल वर्क हो गया, क्योंकि अब देखो 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, 15 से डिवाइड करेंगे तो 2, मतलब 15 के भी टेबल में आता है और 10 के भी टेबल में आता है, एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है। अब हम फाइंड करेंगे क्या, आपको पता है गाइस ए की एफिशिएंसी, तो ए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी गाइस, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आपको पता है टोटल वर्क हमने पिछले में 1 माना था, इस केस में क्या माना है 30, ठीक है, टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम किसकी, ए का निकाल रहे हैं तो ए का टाइम लेंगे गाइस, ए कितना टाइम 10 डेज में काट देंगे, 10 3 30, इसका मतलब गाइस हम ये मान लेते हैं कि 3 यूनिट वो पर डे काम करें। अब देखो गाइज ये फ्रैक्शन में हमारा एफिशिएंसी नहीं आया, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 यूनिट्स पर डे, इसी तरह गाइज बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, बी की एफिशिएंसी टोटल वर्क, बी भी वही काम कर रहा है गाइज, तो बी के लिए भी क्या हो जाएगा वर्क सेम 30 यूनिट्स, और बी कितना टाइम ले रहा है 15 डेज, तो डिवाइड कर देते हैं और आंसर आ जाएगा कितना 2 यूनिट पर डे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर दोनों से मिलकर काम करवाना है तो इन दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यहाँ गाइज मैं स्टेटमेंट के साथ लिख रहा हूँ, आपको टाइम लग रहा है, आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना होगा, आप यहीं इस क्वेश्चन को चाहे तो यहीं पर 30 अपॉन में 10 करके डिवाइड करेंगे 3 यूनिट्स हो जाएगा, और यहाँ पर आप 30 अपॉन में 15 करेंगे तो ये कट के 2 हो जाएगा, तो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे 5, तो टोटल एफिशिएंसी 5 आ गई, आपको पता है दोनों को कंबाइंड निकालना है, टोटल वर्क अपॉन में टोटल वर्क कितना है 30 अपॉन में 5 6, ये होता है गाइस 3। लेकिन ये कब गाइस, जब आपको बेसिक से क्वेश्चन समझ में आ जाए तब आप लोग इसे प्रैक्टिस के दौरान तेज क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइस टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू गाइस इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा गाइस 5 यूनिट पर डे, अब दोनों काम करेंगे गाइस तो ये 3 यूनिट बनाएगा अपना और ये 2 यूनिट, दोनों एक ही दिन में करेंगे ना, तो दोनों एक ही दिन में करके कितना काम करेंगे 5 यूनिट पर डे आपका खत्म हो जाएगा। देन वर्क्स कंप्लीटेड इन, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में साथ कर देंगे गाइस, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है गाइस, टोटल वर्क आपको पता है 30 यूनिट्स, 60 नहीं लेना है क्योंकि सेम उसी वर्क को खत्म करवाना है आपको, और टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया 5। अब गाइज हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, और आंसर देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा हमने मतलब दूसरे मेथड से निकाला था तो 6 डेज आ जाएगा गाइज। ठीक है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा आप चाहे जिस मेथड से करेंगे, ठीक है।
अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है गाइज, अब वो शॉर्टकट मेथड देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका गाइज मेथड आपको अब से यही क्वेश्चन में लगाना है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस हो जाए, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जिनके शॉर्टकट्स होते हैं गाइज, तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से पेपर में बिना टाइम वेस्ट किए शॉर्टकट का यूज़ करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम लोग गाइज एक देखते हैं क्या शॉर्टकट। तो गाइस बी कितने दिन में करता है इस काम को, 15 डेज। शॉर्टकट गाइस देखते हैं कब, अगर ए और बी का पर्टिकुलर किसी काम को करने का अपना अलग अलग टाइम दिया गया हो और दोनों सेम वर्क कर रहे हो, ठीक है गाइस। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये आपका शॉर्टकट है गाइस। इसका फॉर्मूला होता है ए के द्वारा लिया गया टाइम इंटू बी के द्वारा लिया गया टाइम। ए कितने टाइम में कर रहा है गाइस, 10 डेज में, तो ए की जगह पर 10 डेज, बी की जगह पर 15 डेज। और ए के द्वारा लिया गया टाइम और बी के लिए गए द्वारा टाइम को दोनों को क्या कर देंगे गाइस, ऐड कर देंगे। तो गाइस ए कितने टाइम में कर रहा है, 10 डेज, बी कितने टाइम में कर रहा है, 15 डेज, और आपका दोनों का सम तो 10 प्लस 15, इसको करते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा कितना, 150, और ये हो जाएगा 25, तो 25 6 जा होता है गाइस 150, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा गाइस, डेज में। इसमें एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कब, जब दोनों का कंबाइंड पूछा जाए तब, ये उसके लिए फॉर्मूला है। ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसी की तरह एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन अब उस मेथड से नहीं जो आपका बीच में बताया गया था, उसका शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट भी जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ए अलोन कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज, मतलब ए कोई आदमी है, ए एक आदमी है जो दीवार को, एक दीवार को बनाने में कितना टाइम लगाता है, 20 दिन। ए एंड बी टुगेदर बिल्ड द सेम वॉल इन 12 डेज। मैंने कहा था गाइस इसमें आपको एक एक मेथड का सभी क्वेश्चन पहले मैं करवा दिए, सभी क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब एक एक मेथड स्टेप, हर मेथड का एक एक क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले हम अभी एक तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब है उसी तरह, उसी से लिंक है, लेकिन है इसमें क्वेश्चन दूसरे टाइप का। तो गाइज लिखा हुआ है ए अलोन कैन बिल्ड अ वॉल, ए अकेला एक दीवार बनाने में गाइज कितना टाइम लगाता है, 20 दिन, 20 डेज। ए एंड बी टुगेदर बिल्ड द सेम वॉल इन 12 डेज। अगर दोनों मिलकर, देखो गाइस अगर ए अकेला कर रहा था तो 20 डेज लगा रहा है, लेकिन किसी के साथ मिलकर काम करेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा, क्योंकि दो लोग हो गए ना। मैंने भी समझाया था आपको इंट्रोडक्शन में ही कि अगर एक अकेला आदमी काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर दो लोग मिलकर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, चाहे आपका एक कुछ घंटे ही कम क्यों ना लगे, हो सकता है दूसरा आदमी बहुत स्लो काम करता हो, ठीक है, तो कुछ घंटे ही कम लगेंगे, लेकिन कम लगेंगे। तो ए और बी अगर मिलकर काम को खत्म करते हैं तो गाइस काम कितने दिन में समाप्त होता है, 12 दिन में। इसी तरह से गाइस पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इफ बी वर्क्स अलोन, मतलब तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त होगा अगर बी उस काम को कैसे करता है, अकेला ही करता, पूरे काम को अगर बी अकेला करता तो काम कितने दिन में समाप्त होता।
मतलब ये एक तरह से बी का ये जानना चाहता है कि बी कितने दिन में उस काम को समाप्त कर सकता था। पहले क्या होता था, आपको ए का दिया होता था, बी का दिया होता था और दोनों मिलकर पूछा। अब की बार दोनों मिलकर दिया हुआ है और ए का दिया हुआ है और बी का पूछा हुआ है। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन। ए एक दीवार को बनाने में 20 दिन लगाता है, मतलब 20 डेज। और दूसरा कह रहा है गाइस ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने, उस दीवार को कितने दिन में बना देते हैं, मात्र 12 दिन में। मतलब 8 दिन कम हो गए, मतलब इसमें बी भी कुछ काम करता होगा पर डे, इसीलिए वो काम कितने दिन में खत्म हो गया, 12 दिन में। तो गाइज मैंने कहा था हमें किसी का भी कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए, उनकी एफिशिएंसी चाहिए। अब जैसे हमें बी का निकालना है कितना, तो बी का ऐसे थोड़ी निकल जाएगा इस, ठीक है। तो हमें टोटल वर्क चाहिए बी की, फाइंड आउट करने के लिए एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी अगर हम बी की फाइंड आउट कर लेते हैं तब हम निकाल सकते हैं कि वो काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, टोटल वर्क और एफिशिएंसी को डिवाइड करके। तो देखते हैं गाइस, हम यहां मान लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको पता है गाइस कैसे निकलेगा, जो नंबर्स आपको दिए हूं उन्हीं दोनों के एलसीएम से निकालते हैं ताकि आपके एफिशिएंसी फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है गाइस। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 60 यूनिट्स। मतलब आपका जो टोटल वर्क हम मान लेते हैं कितना है गाइस, वो 60 यूनिट, मतलब 60 यूनिट्स आपको काम फिनिश करके देना है। अब वो ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं गाइस, 12 दिन में, ठीक है। तो गाइस ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, एज एफिशिएंसी, मतलब ए अगर उस काम को करता है तो कितने यूनिट पर डे बनाता है। तो ए की एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क अपॉन में टाइम जितना ए लगाता है गाइस 20, इसका मतलब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा गाइस 3 यूनिट्स पर डे, ठीक है। इसी तरह से गाइस अब इन दोनों को, ये दोनों मिलके करते हैं काम को, ये दोनों मिलके करते हैं, तो अगर ये दोनों भी तो मिलके कुछ यूनिट बनाते होंगे ना, ये तो निकाल सकते हैं ना, इन दोनों की कंबाइंड यूनिट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, दोनों के मिलकर करने की एफिशिएंसी कितनी है गाइस, दोनों के मिलने मिल करके करने की एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल वर्क, क्योंकि वो 60 यूनिट वो भी बनाएंगे दोनों मिलकर भी, अपॉन में कितना टाइम ले रहे हैं 12 यूनिट्स, डिवाइड कर देंगे 12 5 60, इसका मतलब कितना आ जाएगा गाइस 5 यूनिट्स पर डे। अब देखो गाइस इसमें और इसमें आपको कुछ जरूर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, इसमें और उसमें, ये गाइस ए की एफिशिएंसी, ए 3 यूनिट पर डे बनाएगा चाहे किसी के भी साथ मिलकर बनाए। तो मतलब अगर हम ये कहें कि मतलब ए कितना बनाता है 3 यूनिट्स और दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 5 यूनिट, ठीक है। तो 3 यूनिट अगर ए बनाता है तो बी कितना बनाएगा, 5 में से 3 माइनस कर देते हैं, निकल जाएगा किसका, बी का। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी गाइज, ध्यान से सुनिएगा गाइज आप इसको, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी दोनों की एफिशिएंसी में से अगर एक की एफिशिएंसी माइनस कर दी जाए तो जो दूसरी बचेगी वो किसकी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है गाइस 5 और ए कितना करता है 3, इसका मतलब बी करता है 2 यूनिट पर डे, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने, सॉरी कितना वो बनाएगा पर डे, वो 3 यूनिट्स, मतलब अकेला बनाएगा वो 3 यूनिट्स, ओ सॉरी 2 यूनिट्स पर डे, 5 में से 3 यूनिट्स हमने माइनस कर दिया, जो कौन करता था ए करता था और दोनों करते थे 5 यूनिट, माइनस कर दिया 2 यूनिट्स पर डे आ गया। तो बी उस काम को, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना, बी उस काम को कितने दिन में साथ करेगा, आपको टोटल वर्क है 60 यूनिट और बी की एफिशिएंसी निकल गई है 2 यूनिट्स, हम डिवाइड कर देते हैं और निकल जाएगा। देन बी कंप्लीट द होल वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ऑफ बी, सिर्फ बी की एफिशिएंसी लेंगे, टोटल एफिशिएंसी नहीं लेंगे दोनों की मिलाकर के। तो गाइस टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट्स और बी की एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट्स पर डे, हम डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब है गाइस कि बी कितने दिन में बनाएगा 30 दिन में गाइस,
ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। इसका भी गाइस एक शॉर्टकट मेथड होता है, उसको भी मैं ज़रूर बताऊंगा और आप लोग बहुत आसानी से इसको मैं समझाता हुआ चलूंगा आगे, एक बार एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही करवाता हुआ चलूंगा, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग इसका एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं, शॉर्टकट कैसे करना है। देखो गाइज, अगर आपको चाहे ए दिया हो चाहे बी, मतलब किसी एक का इन दोनों में से अकेले का दिया होगा और दो का कंबाइंड, ये दोनों के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। निकालना हो चाहे आपको बी का या ए का, तो फॉर्मूला इसमें बी का निकालना है गाइज, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का निकालना हो और दो लोगों का दिया गया हो, याद रखना जिन दो में से दिया गया हो उन्हीं दोनों में से पूछा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ए का दे दिया, ए प्लस बी का दे दिया और सी का पूछ रहा हो किसी और स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐड कर दे, मतलब क्वेश्चन में कोई और स्टेटमेंट ऐड करने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, और इसमें ए और ए प्लस बी का दिया हो, इसका मतलब किसका पूछेगा, बी का। अगर आपको यहाँ बी दे दिया होता तो किसका पूछता, ए का, ठीक है गाइज। तो इसी तरह से गाइज बी का पूछ रहा है तो इसमें फॉर्मूला होता है ए इंटू दोनों का कंबाइंड ए प्लस बी, उसके बाद गाइज किसका ए माइनस करना है इस केस में, अगर बी लिखा होगा यहाँ तो बी लिख देंगे यहाँ पर, बी माइनस दोनों का कंबाइंड ए प्लस बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। और आपका जैसे दिया गया ए कितना है गाइस 20 डेज, मतलब 20, ए प्लस बी कितना है गाइस 12 डेज। अब इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 20 माइनस 12 तो हो जाएगा 20 इंटू 12 अपॉन में 20 में से 12 जाएगा माइनस, ओके 8 आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 2 टेन ज़ा 20 और आंसर आ गया पिछले क्वेश्चन के जैसा ही कितना 30 डेज। और ये आपका हो गया गाइस क्या शॉर्टकट, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमें इस हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए गाइस, लाइक जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही जल्दी हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जैसा आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे वैसा ही मैं क्वेश्चन लेके एक अच्छे अच्छे तरीके से आप लोगों को किसी भी चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन होगा गाइस बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है गाइज। तो आप लोग लाइक मतलब ऐसा कुछ रिस्पॉन्स करिए जिससे हमें ये लगे कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं गाइज, ठीक है। तो वीडियो के अंत में बस गाइज इतना ही कि मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वो डिसाइड आप लोग करेंगे। थैंक यू।